अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शारल्स किचन। आज हम आपके साथ अपने किचन में बनाएंगे आलू की चटपटी और टेस्टी सब्जी और रोगनी रोटी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बाउल में 4 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा है। 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। आप चाहें तो इसको आधा आटा और आधे मैदे से बना सकते हैं। 1 टीस्पून कलौंजी डाल देंगे। 4 टेबलस्पून हम इसमें पिघला हुआ घी डाल देंगे। घी को हमने पिघला लिया था। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से हमें आटे को मिक्स कर लेना है। अब गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को इकट्ठा करेंगे। देखिए, इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर हमने आटे को इकट्ठा करा। अब बाकी के आटे को भी हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इकट्ठा कर देंगे। एकदम से पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा आटा पतला हो जाएगा। अब देखिए, आटा इकट्ठा हो चुका है। हम इसको गूंधेंगे। हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से गूंध लेना है। जैसे हम पराठों का आटा गूंधते हैं, वैसे ही हमें इसको अच्छे से गूंद लेना है मुक्की मारते हुए, जब तक कि ये चिकना ना हो जाए। अब देखिए, गूंधते गूंधते अच्छा खासा ये चिकना हो गया है। अब देखिए, हम इसको सेट कर लेते हैं। इस तरह हमने इसको सेट कर लिया। अब थोड़ा हम इसमें पिघला हुआ घी डाल देंगे ऊपर से, ताकि इस पर पपड़ी ना जमे। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख देंगे। इधर हमने सब्जी के लिए 1/2 किलो आलू ले लिए हैं, छोटे पीस में काट लिए हैं। मसाला ले लिया है खड़ा, कलौंजी 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हमने मेथी दाना ले लिया है। कुकर में 100 ml ऑयल गरम करके इसमें एक छोटी प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से हमें इसको फ्राई करना है। बहुत डार्क कलर इसका नहीं करना, बस इसको पिंक कलर का हमें कर लेना है। इसी स्टेज पे जो हमने खड़े मसाले दिखाए थे, वो भी इसमें हम डाल देंगे और इसको साथ ही में प्याज के फ्राई करेंगे। हमें प्याज को लाइट पिंक फ्राई करना है। इस टाइम पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। 4 हरी मिर्च हमने ले ली हैं बड़े पीस में, और ये भी डाल देंगे। अब देखिए, इसको चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। देखिए, ये लाइट पिंक हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें आलू डाल देते हैं। सारे आलू डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब देखिए, इसमें हमने कुछ पिसे मसाले ले लिए हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर ले लिया है। अब इधर देखिए, 2 मिनट हो गए हैं हमारे आलू को फ्राई होते हुए। इस टाइम पे हम इसमें अपने पिसे मसाले डाल देंगे। देखिए, सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। सारे मसाले हमारे मिक्स करते हुए भुन गए हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। ये शूट नहीं हो पाया, नमक आपको दिख रहा होगा। और 1/4 टीस्पून हम इसमें काला नमक भी डाल देंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें पानी डालेंगे। अगर आपको सब्जी थोड़ी लुआबदार चाहिए तो आप इसमें 1 कप पानी डालें, और अगर आपको सूखी सूखी सब्जी चाहिए तो आप इसमें 1/2 कप पानी डाल दें। मुझे थोड़ी लुआब वाली सब्ज़ी चाहिए थी, तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हम लिड लगा देंगे और फुल फ्लेम पर 2 व्रिसल ले लेंगे।
अगर आपका कुकर में एक व्रिसल में आलू गल जाते हैं तो आप एक व्रिसल के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्टीम में छोड़ देंगे। जब स्टीम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी तब हम लिड को खोलेंगे। अब देखिए स्टीम ऑटोमेटिकली रिलीज हो गई है, हमने लिड खोल दी है। अब देखिए आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं, हम चेक करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आलू गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें एक टीस्पून फुल भर के खटाई डाल देंगे, पिसी खटाई हम डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्लेम ऑन कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि खटाई मिक्स हो जाए, बस इतना ही हमें इसको पकाना है। अब देखिए फ्लेम ऑन करके हमने इसको मिक्स कर दिया, जितनी देर में हमारी खटाई मिक्स हो जाती है बस उतना ही हमें इसको पकाना है। अब देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, खटाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें चॉप धनिए से गार्निश कर देंगे। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इधर हमारा आटा भी रेस्ट ले चुका है, हम इसको खोलते हैं और इसके पेड़े बनाते हैं। तो हमें पेड़ा बना लेना है, देखिए इस तरह से हमने काट लिया। जैसे आप पराठे के लिए पेड़ा बनाते हैं उतना ही बड़ा हम पेड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है, जितने हमें रोटी बनानी है उतने हमने पेड़े बना लिए। अब देखिए आटे से इस तरह से हम इसको डस्ट कर लेंगे और इसको बेल लेते हैं। इसको रोटी से थोड़ा मोटा हम बेलेंगे, पराठे के साइज़ का हमें इसको बेल लेना है। इधर हमने तवा चढ़ा दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। देखिए हमने इसको डाल दिया और इस तरह से हम इसमें होल कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी रोटी सिक सके। एक तरफ से जब सिक जाएगा तब हम इसको पलट देंगे, इसको हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। अब देखिए एक कपड़े से हम इसको इस तरह से दबाते हुए घुमाते हुए सेक लेंगे। इस तरह से हमारी रोटी अच्छी तरह से सिकेगी सब तरफ से। देखिए ये एक तरफ से सिक चुकी है, हम इसको पलट कर पीछे से भी सेक लेते हैं। अब देखिए पीछे से भी हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है, हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसको घी से अच्छे से लगा देंगे। अगर आप चाहें तो बटर इस पर लगा सकते हैं या तो फिर आप देसी घी इस पर लगाएं, ये आपकी चॉइस पर है। देखिए इस तरह हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए दूसरी रोटी भी इसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बाकी की रोटी इसी तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए दूसरी रोटी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसमें हम घी लगा देंगे। हमारी रोगनी रोटी और सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए हम सब्ज़ी को प्याज के साथ गार्निश करेंगे। प्याज के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी आपकी लगेगी। और देखिए इस तरह से हम दही डाल देंगे सब्ज़ी पर। ये सब्ज़ी दही के साथ और प्याज के साथ आप जब सर्व करेंगे तो इसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।